केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुए भयानक भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। मेपाडी के पास अलग अलग पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तक भूस्खलन हुआ है। मुंदकई और चूरलवाला शहर में भी सैकड़ों घर, गाड़ी और दुकानें पानी में डूब गए हैं। इस हादसे में 84 लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई दलों को भेजा गया है। हालांकि भारी बारिश से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सेना और एयरफोर्स ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां पहुंचने में मुश्किल हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली तस्वीरें, जिस तरीके का ये लैंडस्लाइड हुआ है। सैकड़ों लोगों को इस लैंडस्लाइड ने अपनी चपेट में ले लिया। वायनाड में सैलाब है, नदी में देखिए कैसे शख्स फंसा हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और केरल में इस समय कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके का हादसा वायनाड में हुआ है। हालांकि आज संसद में किरण रिजिजू ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का वादा भी किया है। उधर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में आज उठाया था। सुबह 8:15 के करीब ये पूरा हादसा हुआ है, जब ये मेजर एक लैंडस्लाइड हुआ है। और ये देखिए लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अब सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है, लेकिन जिस जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ और सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। हर संभव मदद केंद्र सरकार के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार भी पूरे एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन ये लैंडस्लाइड इतना बड़ा है कि इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत टेक्निकल दिक्कतों का सामना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को करना पड़ रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहाव आप देख सकते हैं। पानी का जो बहाव है वो सारी कहानी बयान कर रहा है कि बारिश और बाढ़ के चलते हुए किस तरीके के हालात खराब हैं। और ऐसे में लैंडस्लाइड जो है वो करेला नीम चढ़ा, कई लोगों की जान चली गई है। और केरल में इस समय कोहराम मचा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की है केरल के, और हर तरह की संभव जो मदद है वो पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। 84 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। और राहुल गांधी ने आज ये मामला जो है ये संसद में उठाया, और उसके बाद किरण रिजिजू ने भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं ये पूरी कहानी को बयान कर रही हैं कि आज का ये जो लैंडस्लाइड था वो कितना घातक था। 84 के करीब लोगों की जान चली गई, और अभी पता नहीं कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, ये आंकड़ा सामने नहीं आया है। सुबह तड़के 7:15-7:30 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ है, और मलबे में कई घर दब गए हैं, लोग दब गए हैं, कोहराम है, और बारिश के चलते ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ऐसे में क्योंकि बारिश अभी भी वहां पर भीषण हो रही है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना इन जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको करना पड़ रहा है। भूस्खलन के चलते हुए ये बड़ा हादसा हुआ, जगह जगह तबाही का मंजर है। सैलाब में फंसा हुआ शख्स भी हमने आपको दिखाया था। सेना मदद में हालांकि जुटी हुई है, लेकिन बहाव आप देखिए, कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं। और राहुल गांधी ने आज संसद में इस मुद्दे को उठाया था। वायनाड में कुदरत का क्रोध इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कई लोगों की जान चली गई है। 84 का तो आंकड़ा मिल रहा है, उसके बाद अभी पता नहीं कितने लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। और इस समय एक बड़ी खबर हमें आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, कल वायनाड जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब वायनाड जाएंगे। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का वो दौरा करेंगे और पीड़ितों के साथ मुलाकात भी करेंगे। आपको याद होगा कि वायनाड जो है वो राहुल गांधी की संसदीय सीट रही है। हालांकि रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी, और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब इतना बड़ा हादसा यहां पर हो गया, देखिए गाड़ी जो है वो आप फरकच्चे उड़े हुए आपको दिखाई दे रही है। पानी का बहाव आप देखिए, जो कुछ जद में आ रहा है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। और कल राहुल गांधी जाएंगे वायनाड, ये लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने हमेशा कहा है कि वायनाड के लोगों से, वायनाड से उनका एक खास रिश्ता है, और अब जब इतनी बड़ी दुर्घटना वहां पर घटी है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का जाना वहां पर बनता है। और अब इस बात की घोषणा भी कर दी गई है कि कल राहुल गांधी वहां जाएंगे। तो ये देखिए वहाँ पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, ये एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद है, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और किस तरीके से राहत और बचाव किया जाए इसकी रणनीति पूरी तरीके से तय की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, खुद मुख्यमंत्री इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ये बड़ा लैंडस्लाइड था कि कई घर इसकी जद में आ गए, और कई लोग अभी भी लापता हैं। उन लापता लोगों को भी खोजने का काम लगातार चल रहा है। और देखिए पानी का जो रंग है उसमें इतनी मिट्टी है इस समय कि आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पहाड़ों से किस कदर मिट्टी बहकर इस समय नदी और नालों में आ रही है। और बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी अलर्ट पर है केरल। और महाराष्ट्र हो, केरल हो, गुजरात हो, और तो और राजस्थान, हर जगह इस समय बाढ़ और बारिश के चलते हुए हालात काफी खराब है।
Z News.